नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टेक्सपोर्ट 29। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी, और जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस के लीक आ चुके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आने वाला है आने वाले गैलेक्सी J7 प्लस में। तो मैं ये बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ क्या 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 फीचर्स न्यू फीचर्स आने वाले हैं गैलेक्सी J7 प्लस में, जो कि इसके लीक अपडेट्स आ चुके हैं। तो पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, गैलेक्सी नोट 8 अभी जो कंपनी ने अनाउंस किया था नोट 8, वो पहला सैमसंग का डुअल कैमरा सेटअप होना था, पर जैसे कि अब आ चुका है कि गैलेक्सी J7 प्लस गैलेक्सी नोट 8 से पहले रिलीज होगा। इसका मतलब गैलेक्सी J7 प्लस अभी तक का सैमसंग का फर्स्ट डुअल कैमरा सेटअप फोन होगा। तो जैसे कि गैलेक्सी J7 प्लस में आपको मैंने बता दिया है डुअल कैमरा सेटअप है, तो ये सैमसंग का पहला डुअल कैमरा सेटअप वाला फोन आने वाला है। इसकी हम थोड़ी स्पेसिफिकेशन पे बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलेगी 5.5 इंच डिस्प्ले, 1080p एमोलेड स्क्रीन, और इसकी कुछ वैसे हम बात करें स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको मिलेगा 2.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और एक्सपेंडेबल अप टू 256GB। तो ये कुछ इसके सिंपल स्पेसिफिकेशन है। बात करें अगर हम कैमरे की, तो इसका जो कैमरा मिलेगा हमें बैक कैमरा मिलता है वो हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, तो जिसका वन लेंस होगा 13 MP सेंसर और जो व्यू होगा f1.7 एपर्चर के साथ, और जो सेकंड सेंसर होगा वो होगा 5 MP f1.9 एपर्चर के साथ, जो कि डुअल कैमरा सेटअप इसमें है। और फ्रंट के अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा 16 MP f1.9 एपर्चर के साथ। तो जो कि इसकी बैटरी है वो है 3000 mAh बैटरी। जैसे कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है गैलेक्सी नोट 8 से पहले रिलीज होगा, तो ये अभी तक का सैमसंग का पहला डुअल कैमरा सेटअप फोन आने वाला है। अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो आप हमें फोन में मिल जाएगा 7.1.1 नोगट विद बिक्सबी सपोर्ट, जैसे कि इसमें बिक्सबी सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। तो काफी अच्छा ये फोन है, इसका लुक और डिजाइन भी काफी अच्छा है। तो देखते हैं सैमसंग इसे कब रिलीज करता है। तो ये हमने इसके बारे में सैमसंग J7 प्लस के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।